हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज बात कर रहे हैं एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में। मन में सवाल आ रहा होगा कार खरीदते हुए कि भाई कंपनी स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर तो कर रही है 2 से 3 साल के लिए, इज देयर अ पॉइंट इन स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी टू गो फॉर द एक्सटेंडेड वारंटी फॉर द 4th ईयर और 5th ईयर? क्या ऐसा ज़रूरी है कि 4th साल में 5वें साल में प्रॉब्लम आए? तो साहब इसी को डीमिस्टिफाई कर रहे हैं। एक्सटेंडेड वारंटी क्या आपके लिए यूजफुल है, क्या उसमें कवरेज है और क्या ऐसे हिडन टर्म्स हैं, क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी बिल्कुल ज़रूरी है। सबसे पहले जान लेते हैं होती क्या है एक्सटेंडेड वारंटी। देखिए, मैं अगर आपसे लेमेन टर्म्स में बात करूं, बिल्कुल सिंपल भाषा में, आप अपने लिए क्या हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, मेडिक्लेम करवाते हैं, उसी तरह से ये एक्सटेंडेड वारंटी कार का मेडिक्लेम है, इट्स लाइक अ हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ योर कार। कार के आपको पता है बहुत सारे छोटे बड़े कंपोनेंट्स होते हैं। मैं अगर आपको बताऊं कुछ बड़े कंपोनेंट्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ECU ऑलमोस्ट 40 से 60,000 रुपीज़ कॉस्ट करता है। AC का कंप्रेसर 20 से 25,000 रुपीज़ कॉस्ट करता है। अगर मैं आपसे बात करूं वाइपर मोटर के बारे में, स्टार्टर मोटर के बारे में, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में, रेडिएटर फैन के बारे में, डिपेंडिंग ऑन कार टू कार इट मे कॉस्ट यू अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। और आजकल साहब काफ़ी सारी कार्स टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ आ रही हैं, एडवांस्ड DCT और DSG और मैं ट्रांसमिशन के साथ आ रही है, उन कार्स में आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू गो फॉर एक्सटेंडेड वारंटी। अगर टर्बो फेल हो गया, आपने आइडलिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया, तो कितना खर्चा आ जाएगा? दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू सब्सटेंशियल अमाउंट। टर्बो का रिप्लेसमेंट है, उसमें लेबर चार्जेस है, वो आप बाहर से नहीं करवा सकते हैं, इट हैज़ टू बी डन फ्रॉम द कंपनी ओनली। 40 से 50,000 रुपीज़ आप लेके चलिए, सीधा फटका लग जाएगा। तो बड़े सारे इसमें खर्चे हैं, और साथ में सस्पेंशन का हो गया, शॉकर्स हो गए, लोअर आर्म हो गया, लिंक रॉड्स हो गए। अगर आपने वारंटी नहीं ली है, सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो दिस इज़ अगेन गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। तो साहब यहाँ तो देख के लगता है कि वारंटी जितनी ज़्यादा कार की हो उतना बेहतर है, बिकॉज आपको ना ही कोई पार्ट्स के रुपीज़ देने हैं, ना ही आपको कोई लेबर चार्जेस पे करने हैं। लेकिन इसमें कैच है, वो आप जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर एवरी कंपोनेंट ऑफ अ कार इज इंक्लूडेड। ये तो वो कंपोनेंट्स बताइए जो मेजरली इंक्लूड होते हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे कंपोनेंट्स और होते हैं, लेकिन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो इंक्लूड नहीं होते हैं? देखिए, एक्सटेंडेड वारंटी का पर्पज़ ये है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एमिशन के जो पार्ट्स हैं, ट्रांसमिशन के पार्ट्स हैं, उनको कवरेज करें। लेकिन जो वेयर एंड टीयर आइटम्स हैं, जो रेगुलर यूसेज के साथ साथ जिनकी लिमिटेड लाइफ है, वो कवरेज नहीं होती है। अगर मैं बात करूं टायर्स के बारे में, अगर मैं बात करूं बैटरी के बारे में, अगर मैं बात करूं कार के ब्रेकिंग के, ब्रेक पैड्स के बारे में, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, ब्रेक पैड्स की लिमिटेड लाइफ होती है, कार के क्लच के बारे में, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, रिलीज पेयरिंग, फ्लाई व्हील्स, दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। अगर चारों पार्ट्स किसी डीजल कार में रिप्लेसमेंट आती है, मैं आपको इंडिकेट दे रहा हूँ, मिड SUV कार में दिस कैन कॉस्ट यू ऑलमोस्ट 30,000 to 50,000 रुपीज़। इसी के साथ साथ कार के अगर मैं पेंट के बारे में बात करूँ, आपको लगता है कि भाई कार का जो पेंट है वो डल हो रहा है, लिविंग असाइड VW, लिविंग असाइड Skoda, आपको कार के पेंट की डलनेस की कोई वारंटी नहीं मिलती है। ये भी टर्म एंड कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक पहलू और है, जो वारंटी के पार्ट्स है वो रिप्लेसमेंट तभी अगर आपकी होगी, अगर आप कंपनी के अप्रूव्ड सर्विस के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। वो गाइडलाइंस क्या है? दैट यू हैव टू गेट योर कार सर्विस ओनली एट ऑथोराइज वर्कशॉप। ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट सर्विस आफ्टर मार्केट में करवा ली और कंपनी के पास अब गए कि मेरे इस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो कंपनी रिप्लेस नहीं करेगी, बोलेगी आपने हमारा सर्विस शेड्यूल फॉलो नहीं करा है। तो यू हैव टू गेट द कार सर्विस ओनली एट ऑथोराइज वर्कशॉप। नंबर टू, आपको जो कंपनी का सर्विस शेड्यूल है उससे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको फॉलो करना होगा, यू कैन नॉट जस्ट स्किप इट, इट्स अ सैक्रोसेंट थिंग। अगर आप उसको एक्सटेंड कर देते हैं, अगर किलोमीटर्स एक्सटेंड हो जाते हैं, देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी दैट योर कार वारंटी विल नॉट बी ऑनर्ड। इसी के साथ साथ कुछ एक पार्ट्स ऐसे भी हैं जो आपको पता होना चाहिए। सपोज आपने कोई मॉडिफिकेशन करवा दिया कि भाई मेरे को रनिंग कॉस्ट कम चाहिए CNG के हिसाब से, तो साहब CNG की फिटमेंट कराते ही कार की वारंटी वॉइड हो जाएगी। टायर आपने अपसाइज करवा लिए, कल कंपनी सस्पेंशन के पार्ट्स पे आपको वारंटी डिनाई कर सकती है। दिस इज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर वो टायर एग्रेसिवली अपसाइज है
सो इन दैट केस द कंपनी में इवन से कि सस्पेंशन में प्रॉब्लम इन्हीं टायरों की वजह से आई है, तो आपकी कार की वारंटी वॉइड हो सकती है। अगर आप कोई एसेसरी लगवाते हैं आफ्टर मार्केट से, और भले ही वो एसेसरी ब्रांडेड है और उसकी वायरिंग हार्नेस भी अच्छी खासी है, लेकिन जान लीजिए अगर अनफॉर्चुनेट केस में इवन इफ़ यू फॉल इन 0.1% ऑफ दोज ओनर्स हु हैव फेस्ड अ फायर इंसिडेंट इन द कार, योर कार वारंटी विल नॉट बी कवरिंग दैट थिंग। वो ये बोलेंगे कि आपने एक्सटर्नल एसेसरी फिटमेंट करवाई है, और भले ही वो फिटमेंट आपकी ब्रांडेड है आपके हिसाब से, बट दे आर नॉट श्योर बिकॉज दैट्स नॉट एन अप्रूव्ड एसेसरी फ्रॉम द कंपनी एंड दैट्स नॉट डन फ्रॉम द कंपनी ऑथोराइज सर्विस सेंटर। तो उस केस में कार की वारंटी तो वॉइड होगी होगी, इंश्योरेंस कंपनी में इवन डिनाय द क्लेम स्टेटिंग कि वो आपने आफ्टर मार्केट में काउंटरफेट जो भी वो उसका नाम दे सकते हैं, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो भी आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं होता कि हर केस में फायर लगती है, बट इट्स पॉसिबल इन 0.1% ऑफ द केसेस, तो वो आपकी नॉलेज के बता रहा हूँ। तो देखिए इस वीडियो का पर्पस ये है दैट यू शुड बी अवेयर द प्रॉस एंड कॉन्स की कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं आपको नटशेल में बात करूँ, पर्सनली एक्सटेंडेड वारंटी मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, कंसिडरिंग द पार्ट्स विच आई हैव टोल्ड यू इनिशियली, ECU कंप्रेसर, ये स्टार्टर मोटर हो गया, टर्बोचार्जर हो गया, इंजन के कंपोनेंट्स हो गए, शॉकर्स हो गए, इंजेक्टर्स हो गए, ये बड़ा अमाउंट ले जाते हैं। अगर आपके पास वारंटी नहीं है और इन पार्ट्स का आपको रिप्लेसमेंट करवाना पड़ा, दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। आप कंसिडरिंग अगर आप 15,000 to 20,000 रुपीज पे कर रहे हैं ऑन अ कार विच इज कॉस्टिंग यू 15 lakh रुपीज, सो एक्सटेंडेड वारंटी इज ओनली गोइंग टू कॉस्ट यू 1% to 1.5% ऑफ द कार प्राइस। तो स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि एक्सटेंडेड वारंटी आपको लेनी चाहिए। लेकिन इसमें भी एक कैच है, वो आपको बताता हूँ। वो कैच ये है, आपकी रनिंग कितनी होगी साहब। अगर आप उन लोगों में से हैं जिसमें आपकी एवरेज रनिंग इज गोइंग टू बी लेस देन 500 किलोमीटर्स अ मंथ, जिसमें आपको लगता है इन द नेक्स्ट 3 years, इन द नेक्स्ट 4 years योर एवरेज रनिंग विल बी इन द रेंज ऑफ 20,000 to 30,000 किलोमीटर्स टोटल बता रहा हूँ, तो उस केस में आप एक्सटेंडेड वारंटी को राइट एट डे वन परचेज मत करिए, वेट करिए, सी द रिस्पॉन्स ऑफ द कार इन द फर्स्ट 3 years की कार में कोई प्रॉब्लम आपको फेस होती है नहीं होती है, हाउ गुड इज द कार, बिकॉज आपकी रनिंग कम है तो कार के जो वेयर एंड टीयर है, जो कार के पार्ट्स हैं उसमें भी वेयर एंड टीयर कम होगा। अगर आप टाइमली सर्विस कार को करवाते हैं तो, और आपकी रनिंग कम है, उस केस में यू मे इवन गिव इट अ पास, आप स्किप कर सकते हैं, या यू कैन बाय दिस एक्सटेंडेड वारंटी एट अ लेटर स्टेज ऑल्सो। ऐसा नहीं कहती कंपनी कि आपको फर्स्ट डे ही एक्सटेंडेड वारंटी परचेज करनी होगी। यू कैन इवन बाय दिस एक्सटेंडेड वारंटी, सपोज मैं क्रेटा की बात कर रहा हूँ, आप थर्ड ईयर के लास्ट में आके भी परचेज कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 4th year एंड द 5th year। और ये भी बता रहा हूँ, इसमें भी दो पार्ट्स हैं कि एक तो कंपनी करती क्या है, थोड़ा सा खेलती है कस्टमर्स के साथ, इसमें बोलती है कि अगर आप वारंटी को लेटर स्टेज में परचेज करेंगे वी विल चार्ज यू अ हायर अमाउंट, जिसमें कहते हैं कि अगर आप फर्स्ट 30 days में करेंगे तो इतना पैसा है, अब आप फर्स्ट 3 months में करेंगे इतना पैसा, उसके बाद करोगे इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, सम ऑफ द कंपनीज आर इवन ऑफरिंग डिस्काउंट्स ऑन दिस एक्सटेंडेड वारंटी एट अ लेटर स्टेज। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपकी रनिंग कम है तो उस हिसाब से वो डिसीजन आप बाद में भी ले सकते हैं। तो ये एक थॉट थी, एक टॉपिक था। अगर मैं आपको नटशेल में कहूँ, वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी आप लेने का प्लान कर रहे हैं, येस यू शुड गो फॉर इट, एंड इफ इन केस योर रनिंग इज लो यू कैन कंसिडर टू बाय इट एट अ लेटर स्टेज, और वो आप उस टाइम में डिसाइड कर सकते हैं। सो दैट्स अ इंपॉर्टेंट सेशन, इफ यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल माइकार हेल्पलाइन पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और वेबसाइट है www.maikarhelpline.com, वेबसाइट पर विजिट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।